ड्रामा सीरियल जानिसार के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे कशमाला नौशीरवान को अपने जाल में फंसाती है और दुआ के खिलाफ कैसे साजिशें करती नज़र आएगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो कशमाला नौशीरवान से कहेगी, सरफराज दुआ से मिलने आया था और दुआ को कन्वेंस कर रहा था कि मैंने तो फिज़ा को तलाक दे दी है, अब तुम भी नौशीरवान से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। ये सरासर झूठ कह रही होती है कशमाला, सिर्फ और सिर्फ नौशीरवान को दुआ के ख़िलाफ़ कर रही होती है और अपनी चाल में कामयाब होना चाहती है ऐसा करके। तो दूसरी जानिब आप देखेंगे कि सरफराज कैसे कशमाला को कॉल करता है और उसे कहता है कि दुआ ने मुझे बर्बाद कर दिया, घर वालों के सामने उसने मुझे रुसवा किया है, मेरी फैमिली के सामने उसने मुझे बर्बाद किया है, तो अब देखना मैं उसको ऐसा बर्बाद करूँगा। तो आगे से कशमाला कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही काम करते रहोगे तो तुम्हें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दूसरी जानिब आप देखेंगे कि दुआ परेशान हाल नौशीरवान के सामने होती है और कहती है कि मैं खुद बहुत परेशान हूँ, फिज़ा मुझसे बात नहीं कर रही, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो नौशीरवान तो पहले ही सारी छानबीन कर चुका होता है। तो नौशीरवान आगे कहता है कि तुमने सरफराज को अंदर क्यों आने दिया? तो दुआ कहती है कि मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। तो सरफराज तो नौशीरवान कहेगा कि तुम झूठ बोल रही हो। तो दुआ कहेगी कि मैं झूठ नहीं बोलती, आप वॉचमैन को बुलाएं। तो नौशीरवान कहता है कि मैं सारी छानबीन करके ही तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे धोखा दे रही हो। तो दुआ ये सुनकर परेशान हो जाती है। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सरफराज नौशीरवान के ऑफिस पहुंच जाता है और उसे वहां पे जाके कन्वेंस करने लगता है, अपनी बातों में फंसाने लगता है। कहता है कि दुआ तो मुझसे मोहब्बत करती थी पर बीच में मैंने ये हिमाकत कर दी तो इसलिए उसने तुमसे शादी कर ली। तो सरफराज तो नौशीरवान भी उसकी बातों में आने लगता है। तो पीछे खड़ा जाफिर सारी सूरत हाल को समझ रहा होता है। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि दुआ चक्कर खा के गिर जाती है तो फिर डॉक्टर को बुलाती है। तो जब डॉक्टर आती है तो डॉक्टर कहती है कि इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात है। तो फिर नौशीरवान कहता है कि क्या मतलब? तो डॉक्टर बताती है कि मुबारक हो, ही इज़ प्रेगनेंट, अब बनने वाले हैं। ये बात सुनकर दुआ तो बहुत खुश हो जाती है लेकिन पीछे खड़ी कशमाला बहुत हैरान हो जाती है। तो ये सब आप आने वाली एपिसोड्स में देख सकते हैं।